हेलो दोस्तों, आज फिर से आपके सामने मैं अनिश कुमार गुप्ता, लाइफ के मोटिवेशन स्पीकर भावित हुआ हूँ और मैं आज आपको एक LIC के नए विषय पे चर्चा करता हूँ। तो हम आज जो LIC का एक टॉपिक लेके चलना है जिसमें कि है आनंद। आज हमारे LIC में अभी तक हर अभिकर्ता को जैसे कि ब्रांच में जाके अपने प्रपोजल को अंडरराइट कराना होता था और वहीं से उसकी पॉलिसी इन्वेस्टर की इशू की जाती। तो अभी लेटेस्ट हमारे MM साहब की तरफ से ये हमारा पोर्टल लॉन्च किया गया है केवल एजेंटों के लिए या एडवाइजर्स के लिए, जो कि वो घर पे भी बैठ के तब मतलब किसी भी कस्टमर की पॉलिसी को वो वहाँ से जमा कर सकते हैं और उसकी हमारी जो फर्स्ट रिसीविंग जो होती है हम निकाल के वहाँ पे उसको दे सकते हैं। तो इसके वजह से मैं थोड़ा सा जानते हैं कि आनंदा इस तरीके से पैकेज प्लान है, सॉरी आनंदा जो हमारा है इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि हम इसमें अभी तक हम लोग को जो ये एडवाइजर को ये दिया जा रहा है केवल 200,000 के प्रपोजल को कम्प्लीट करने के लिए दिया जा रहा है। इसमें अहम मुद्दा ये आ रहा है कि हम जिस इन्वेस्टर को हम वहाँ पे बीमा करने जा रहे हैं मैक्सिमम 200,000 तक का ही हम इंश्योर उसको दे पाएंगे और उसके लिए उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड पे भी एक चीज़ सबसे बड़ी यहाँ पे ये आ रही है कि अगर उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तभी हम उसकी पॉलिसी को हम कर पाएंगे और उसका मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड नहीं है आधार पे तो हम उसकी पॉलिसी को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है आधार से कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही हम किसी व्यक्ति का जिसका आधार नंबर हमारा मोबाइल नंबर से लिंक है तो जब हम इस पॉलिसी को करते हैं तो सबसे पहले एक वेरिफिकेशन कोड उसके पास जाता है जिसको हमें एंटर करना पड़ता है। जब हम एंटर करते हैं तो आधार की जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो हमारे पास तुरंत ही अवेलेबल हो जाती हैं, मतलब कंपनी उसको तुरंत ही प्रोवाइड हमारे सामने कर देता है। उसके अकॉर्डिंग हम उसको उसके टर्म के अकॉर्डिंग या उसके प्लान के अकॉर्डिंग हम उसको 200,000 तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और उसकी सारी जो भी डिटेल हमें जो ब्रांच में जाके फिलअप करानी पड़ती थी अंडरराइटिंग की वो अपने लैपटॉप से या हम अपने कंप्यूटर से उसको फीड करा के उसकी पॉलिसी को वहीं से जनरेट कर सकते हैं। लास्ट में भी उसके पास एक OTP जाता है कि जब वो एक्टिव होता है तो हमारा OTP जाके उससे हम OTP लेकर जैसे ही हम उसको एंटर करते हैं तो उसकी पॉलिसी जनरेट हो जाती है और उसकी फर्स्ट प्रीमियम रिसीव जिसको SPR बोलते हैं वो भी जनरेट हो जाती है जिसको हम अपने किसी भी प्रिंटर से निकाल के उसको दे सकते हैं या हार्ड कॉपी में उसको सेव भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमारी LIC ने इसको इसलिए बना दिया है कि जैसे कोई कार्यकर्ता जो हमारा है या कोई भी एडवाइजर है जो किन्हीं कारणों से हमारे ऑफिस में नहीं आ पाता है या कहीं वो बाहर है और वहाँ पे वो बैठा हुआ है तो वहाँ से वो पार्टी की पॉलिसी को इशू करा सकता है। लेकिन बस दो चीज़ें मेन हैं कि उसका नंबर जो है वो हमारा मोबाइल नंबर जो है पार्टी का वो आधार से लिंक होना चाहिए और उसमें वेरिफिकेशन के लिए हमें एक ईमेल आईडी की भी ज़रूरत पड़ती है पार्टी की बनी होनी चाहिए। तो इन दोनों के रहते हुए हम किसी की भी पॉलिसी किसी के घर से भी हम उसको इशू कर सकते हैं और किसी भी टाइम इशू कर सकते हैं। तो ये एक नई चीज़ अभी शुरू की गई है, अभी ये ट्रायल बेस पे सब चल रहा है और इस पर पॉलिसियाँ भी हमारी चल रही हैं और कुछ लोगों ने इस पर वर्क भी किया है। लेकिन अभी ड्रॉबैक थोड़ा सा आ रहा है कि बहुतों के केसों में हमें ये देखने को मिल रहा है कि उनके मोबाइल नंबर उनके आधार से रजिस्टर्ड नहीं है। तो सबसे बड़ी बात समस्या यहीं पर यही चीज़ आ रही है कि जब तक मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक हम पॉलिसी आपको आनंदा से पूरे करके नहीं दे सकते। इसके लिए हमें बकायदा वैसे ही ब्रांच में आके उसी तरीके से प्रपोजल कम्प्लीट कराना पड़ेगा जैसे हम अभी तक करवा रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में भी अब थोड़ा सा ये भी आएगा कि जो आनंदा में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं थोड़ा सा भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो हो सकता है कि विदाउट OTP हमारा कुछ ऐसी चीज़ें ला के रखी जाएँ ताकि हम किसी की भी पॉलिसी उसको वहीं पे घर पे बैठ के ही हम उसको प्रोवाइड कर सकें और उसका पेमेंट भी हम ऑनलाइन या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसी भी तरीके से हम उसका पेमेंट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आज के लिए इतनी जानकारी आपको मैं बताता हूँ, बाकी नेक्स्ट जानकारी के लिए हम आपको फिर से एक बार मिलते हैं। आज मैं आपको एक टॉपिक पे फिर से चर्चा करता हूँ जिसमें आता है ATC या इनकम टैक्स की रिबेट। तो आज हमारे पास जो भी पॉलिसी अवेलेबल है या कस्टमर जो भी पॉलिसी हम मेरे से लेता है या किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर से लेता है तो अगर वो लाइफ इंश्योरेंस से ले रहा है
रिबेट जो मैक्सिमम होती है वो 1.5 लाख की होती है। 1.5 लाख की रिबेट में हमारे पास और भी चीज़ें आती हैं, जैसे उसकी ट्यूशन फीस भी ऐड होती है अगर वो बच्चे के नाम से स्कूल की फीस दे रहा है, ट्यूशन फीस दे रहा है तो भी आती है। अगर हम लोग अगर प्रीमियम की बात करें तो जो भी हम साल का प्रीमियम देते हैं उस प्रीमियम को भी हम लोग पूरे साल का एक अप्रॉक्सीमेट जो भी जितना प्रीमियम वो दे रहा है उसको काउंट कर लेते हैं, वो 180 में जुड़ जाता है। तो ATC के लिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने एक अपना प्रीमियम साल का जो पॉलिसी ली उसका प्रीमियम सपोज दैट पौने 2 लाख रुपये आया, उसने साल में पूरे 2.25 लाख रुपये दिए। लेकिन जब अगर हम इनकम टैक्स की जब बात करेंगे कि हम उसको जो छूट देने की बात करेंगे वो मैक्सिमम जो होता है 1,50,000 होता है। भले उसने मेरे को 1,75,000 रुपये दिए हो लेकिन हम उसकी जो ATC में जो रिबेट डालेंगे वो 1,50,000 डालेंगे। तो जो मैक्सिमम लिमिट आती है हमारे पास ये आती है, बाकी उसके नीचे का कोई भी प्रीमियम कितना भी हो, चाहे वो सिंगल प्रीमियम सिंगल पेमेंट हो चाहे रेगुलर पेमेंट हो, सारे काउंट होते हैं। सपोज ए पार्टी की 2 पॉलिसियाँ चल रही हैं, 3 पॉलिसियाँ चल रही हैं, उसका टोटल मिला के 60,000 आता है या 1.5 लाख रुपये आता है, तो 1.5 लाख तक हम रिबेट दे सकते हैं, 1.5 लाख के ऊपर हम नहीं दे सकते। इसके अलावा एक सेक्शन हमारा ATD का भी आता है जिसमें कि हम मेडिक्लेम पॉलिसियों को फॉलो करते हैं। मेडिक्लेम पॉलिसियों में हम मैक्सिमम जो होता है 35,000 तक विद पेरेंट्स दे सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसके लिए हमें ATD की पॉलिसियाँ चाहिए होती हैं। इसमें हम FD जो 5 साल से ऊपर की FD की बात करते हैं वो ATC में हमारी आती है। मेडिकल पॉलिसी की जो बात होती है वो ATD में हमारी आती है। तो हम ATD में केवल मेडिकल पॉलिसी को ही ले सकते हैं और कुछ दूसरी पॉलिसी को नहीं लेते। अगर बंदा सिंगल अपना है और वो अपने उसने परिवार के लिए ले रखा है और फादर मदर इंक्लूडेड नहीं है तो वो हमारा प्रीमियम 25,000 तक होता है। अगर फादर मदर को इंक्लूड कर लेते हैं तो 35,000 का प्रीमियम हम उससे माइनस कर लेते हैं, जिसको ATD सेक्शन में डाला जाता है। तो आज अगर हम बात करते हैं 2021 की, तो 2021 से अब हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है जो कि जनवरी से दिसंबर तक चलता है। लेकिन अगर वैसे फाइनेंशियल की बात करें तो जो हमारा है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। तो आज हम 4th quarter पे बैठे हुए हैं, मतलब जनवरी फरवरी मार्च लास्ट क्वार्टर पे बैठे हुए हैं और इस क्वार्टर में सबसे ज़्यादा बूम होता है इनकम टैक्स रिबेट का। तो लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ पे अपना डिक्लेरेशन देना होता है, सरकारी जितने भी एम्प्लॉयमेंट होते हैं सरकारी एम्प्लॉई होते हैं उनको पहले से ही रिटर्न देना पड़ता है कि ATD में उन्होंने कितनी चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ पे आज के सेक्टर की अगर आज बात करते हैं तो ये 3 महीने हमारे लिए बहुत ज़्यादा बूम के होते हैं, जहाँ पे लोग अपनी पॉलिसियों को अपने ATD के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को लेते हैं और अपने इनकम टैक्स में रिबेट को पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।